Hi friends, good morning. Today I'm going to discuss a very important topic, that is sunscreen. तो sunscreen क्या होता है? Sunscreen एक क्रीम होती है जो हमारी स्किन को सनलाइट में होने वाले UVA और UVB रेज से बचाती है. सनस्क्रीन किसको लगाना चाहिए? सनस्क्रीन सभी को लगाना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एज, सेक्स. बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को लगाना चाहिए. सन रेज के अंदर दो तरह की किरणें होती हैं, UVA और UVB रेज. UVA रेज जो होती है वो हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है, हमारे कोलाजन को डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से हमको वक्त के पहले झुर्रियाँ, एजिंग की साइंस, फाइन लाइन होता है. UVB रेज जो होती है वो हमारे स्किन के ऊपर की सतह, ऊपर का लेयर है, उसको जलाती है, जिसकी वजह से सन बर्न और टैनिंग होती है, मेलास्मा होता है. अब सनस्क्रीन दो प्रकार की होती है, फिजिकल सनस्क्रीन एंड केमिकल सनस्क्रीन. फिजिकल सनस्क्रीन के अंदर जिंक ऑक्साइड और टिटैनियम डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो कैसे एक्ट करता है, हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है, जिसके वजह से जो सन रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हमारी स्किन को डैमेज नहीं होता. मगर फिजिकल सनस्क्रीन काफ़ी वाइट कास्ट देती है, जिसके वजह से बहुत सारे जन उसको लगाना पसंद नहीं करते. बट प्लस पॉइंट है, उसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता. आप जैसे उसको लगाते हो वैसे आप तुरंत यू कैन एक्सपोज योरसेल्फ टू सन, आप तुरंत धूप में बाहर निकल सकते हो, इट विल बी इफेक्टिव. केमिकल सनस्क्रीन ऑन द अदर हैंड, उसके अंदर ऑक्सीबेंजोन, एवरबेंजोन और ऑक्टिनोकेट होता है. केमिकल सनस्क्रीन फिर से हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देती है, जिसकी वजह से जो यूवी रेडिएशंस है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सनस्क्रीन में और आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकते. बट केमिकल सनस्क्रीन को लगाने के आधे घंटे बाद ही आप बाहर निकल सकते हैं, बिकॉज इट टेक्स अ लिटिल वाइल, 20 to 30 मिनट्स फॉर इट टू स्टार्ट एक्टिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट SPF. जब आप सनस्क्रीन लेते हो तो आपको सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर के ऊपर ध्यान देना होता है. अभी 15 SPF का जो सनस्क्रीन है वो आपको 93% प्रोटेक्शन देता है, 20% जो SPF वाला है वो आपको 95% प्रोटेक्शन देता है. सो नाउ SPF, वॉट इज SPF? SPF इज सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर. तो अब SPF, हम जब सनस्क्रीन लेते हैं तो हम ध्यान देते हैं SPF पे, क्योंकि SPF से हमको पता चलता है कि हमको सन रेज से कितना प्रोटेक्शन मिलने वाला है, हम जो सनस्क्रीन लगा रहे हैं उससे. तो जो 15 SPF वाला सनस्क्रीन होता है उसमें आपको 93% प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम द यूवी रेज. 20 SPF वाला सनस्क्रीन आपको 95% प्रोटेक्शन देता है. 30 SPF वाला सनस्क्रीन आपको 97% प्रोटेक्शन देता है. और 50 SPF वाला हमको 98% प्रोटेक्शन देता है. तो 1% के लिए हम ऑलमोस्ट डबल और 1.5 प्राइस पे करते हैं, एक्स्ट्रा प्राइस पे करते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज़ SPF 30. इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता प्रोटेक्शन में. बट हमको ऐसा लगता है हायर द SPF, हायर द SPF, हायर द SPF. कोई भी सनस्क्रीन हमको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता, इट इज़ मैक्सिमम 98% प्रोटेक्शन. थर्डली, वेन टू अप्लाई सनस्क्रीन. जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है, फिजिकल सनस्क्रीन आप तुरंत लगा के बाहर जा सकते हैं, और केमिकल सनस्क्रीन आपको लगाने के आधे घंटे के बाद बाहर जाना है. यू हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर बिफोर यू एक्सपोज योरसेल्फ टू सन रेज. हाउ मच टू अप्लाई? बहुत सारे जन सनस्क्रीन बस एक पी साइज का लगाते हैं, दैट इज़ नॉट इफेक्टिव एट ऑल. आपको सनस्क्रीन 2 fingers लगाने हैं आपके फेस के लिए, 3 fingers, 1, 2, 3 फॉर योर फेस एंड नेक. आपको आपके हाथों पे भी लगाना है, क्योंकि फाइन लाइन्स और रिंकल्स आपके हाथों से शुरू होते हैं, आपके हाथों की स्किन भी बहुत जल्दी एज होती है. रीएप्लीकेशन. सो अगर आप इंडोर्स में हैं, आप अगर ऑफिस में हैं या आप घर पे हैं,
तो इट इज़ नॉट कि आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे घर में विंडोज होती है, डोर होता है, ग्लासेस होते हैं, जिसकी वजह से यूवी रेज पेनिट्रेट होती है और हमारे घर में आती हैं। तो हम जब घर में होते हैं तभी भी हमको सनस्क्रीन लगाना होता है। घर में आप हो तो आप फोर टू फाइव आवर्स के बाद भी रीअप्लाई कर सकते हो। दैट मीन्स अ हाउस वाइफ विल अप्लाई सनस्क्रीन ओनली ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग में जब उठती है तब और 4-5 आवर्स के बाद। ऑफिस में जो लोग होते हैं उनको भी सेम एप्लीकेशन करना है, 4 आवर्स के बाद, 5 आवर्स के बाद एक बार रीअप्लाई करना है, ट्वाइस अ डे अप्लाई करिए। जो आउटडोर्स में होते हैं, जिनका काम है बाहर घूमने का या आउटडोर एक्टिविटीज़ में होते हैं, काम करते हैं, ये पूरा दिन उनका बाहर जाता है, आउटडोर्स में जाता है, दे हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन एवरी 3 आवर्स, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, ठीक है। अब आप जब स्विमिंग पूल में जा रहे हैं या वाटर एक्टिविटी कर रहे हैं तो यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन एवरी 2 आवर्स, एंड इट इज़ बेटर इफ़ यू अप्लाई फिजिकल सनस्क्रीन व्हेन यू आर डूइंग एनी वाटर स्पोर्ट और व्हेन यू आर इन द पूल। दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड आई वॉज एबल टू सॉल्व मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। Please subscribe to my channel and show a little love by liking my video. Thank you. Good morning. This is Dr. Huma Sheikh. Today I am going to discuss a little on skin.